सब गुण पर एक गुण नाकी अमृत छाट बिकै बिक खाई माया मोह परम पै भूले दुध धारा से उपरी एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखू सरणा सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुए सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजण सच्चा पातशाह सिर साहांदा जिस पास बैठियां सोहिया सबना दा वेसा सजण सच्चा पातशाह सिर साहांदा सा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वडहंस महला पहला शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाता सो परवान सच कमाइया काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइया नाता सो परवान सच कमाइया जब साच अंदर हुए साचा ताम साचा पाइया लिखे वाजो सुरत नाही बोला बोला गवाइया जिथा जाए बहिया भला कहिया शब्द लिखाइया काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइया कहना जा तुझे कहाया अमृत हर का नाम मेरा माना
पाया। नाम मीठा मनहे लागा, दुख डेरा ढाहिया, सुख मन मह आए वसिया। जाम तै फरमाया, नदर तुद अरदास मेरी, जिन आप उपाया ता मैं कहया कहना, जा तुझा कहाया। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसन आखा झगड़ा पावना। नह पाई झगड़ा स्वाम सेती, आप वंजावना। जिस नाल संगत कर सरीकी, जाए क्या रुआवना। जो दे सहना मन है कहना, आख नाही वावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नदर करे। कौड़ा कोए न मांगा, मीठा सब मांगा, सब कोई मीठा मांग देखा। खसम पावा सो करे, किस पुन दान अनेक करनी। नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलया कर्म हुआ तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। नानका जिन नाम मिलया कर्म हुआ तुर कदे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडहंस महला पहला, शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है, नाता सो प्रवान सच कमाई है। राग वडहंस विच गुरु नानक देव जी की बाणी छंत। अकाल पुरख एक है अते सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। शरीर हिरदे नूं माया दे मोह विच गंदा करके तीर्थ इशनान करन दा कोई लाभ नहीं। केवल उस मनुख दा नहाउणा कबूल है जो सदा थिर प्रभु नाम सिमरन दी कमाई करता है। जदों सदा थिर
प्रभु हिरदे विच आ वसदा है तदों सदा थिर रहन वाला परमात्मा मिलता है। पर प्रभु दे हुकम तो बिना मनुख दी सुरत उच्ची नहीं हो सकती। निरियां जबानी ज्ञान दियां गल्लां करना व्यर्थ है। जिथे भी जाके बैठिए प्रभु दी सिफत सलाह करिए ते अपनी सुरत विच प्रभु दी सिफत सलाह दी बाणी विच परोइए। नहीं तां हिरदे नूं माया दे मोह विच मैला करके तीर्थ इशनान दा की लाभ। प्रभु मैं तदों ही तेरी सिफत सलाह कर सकता हाँ जदों तू आप प्रेरणा करता है। प्रभु दा आत्मक जीवन देन वाला नाम मेरे मन विच प्यारा लग सकता है। जदों प्रभु दा नाम मन विच मिठा लगन लग पिया तदों दुख ने अपना डेरा चुक लिया समझो। हे प्रभु जदों तू हुकम कीता तदों आत्मक आनंद मेरे मन विच आ वसदा है। हे प्रभु जिसने अपने आप ही जगत पैदा कीता है जदों तू मैनू प्रेरणा करता है तदों ही मैं तेरी सिफत सलाह कर सकता हाँ। मेरी तां तेरे दर ते अरजोई ही हुंदी है। मेहर दी नज़र तू आप करता है। जीवां दे कीते कर्मानुसार खसम प्रभु हरेक नू मनुखा जन्म दी वारी देंदा है। किसे मनुख नू पैड़ा आख के कोई झगड़ा खड़ा नहीं करना चाहिदा। भाव पैड़े दी निंदिया करना प्रभु नाल झगड़ा करना है। मालक प्रभु नाल झगड़ा नहीं पाना चाहिदा। इस तरह तां अपने आप नू आप ही तबाह करीदा है। जिस मालक दे संग जिउणा है उसे नाल शरीका करके क्यों रोईए। परमात्मा जो सुख दुख देंदा है वह खिड़े मत्थे सहारना चाहिदा है। गिला गुजारी दे बोल नहीं करने चाहिदे। साडे कीते कर्म अनुसार खसम प्रभु सानू मनुखा जन्म दी वारी देंदा है। सारी सृष्टि परमात्मा ने आप पैदा कीती है। आप ही हरेक जीव उत्ते मेहर दी निगाह करता है। कोई जीव कौड़ी दुख वाली चीज़ नहीं मांगता। हरेक मिठी सुखदाई चीज़ ही मांगता है। हरेक जीव मिठे सुखदाई पदार्थां दी मांग ही मांगता है। पर खसम प्रभु उही कुछ करता है जो उसनू चंगा जापता है। जीव दान पुन करते हैं। एहो जहे होर भी अनेकां धार्मिक काम करते हैं पर परमात्मा दे नाम जपन दे बराबर होर कोई उदम नहीं है। हे नानक जी जिन्ना बंदियां उत्ते तुरों परमात्मा वल्लों कदे बख्शिश हुंदी है उन्हनू नाम दी दात मिलती है। यह सारा जगत प्रभु ने आप ही पैदा कीता है ते आप ही सब उत्ते मेहर दी नज़र करता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।